एक मिनट जो है बना दे लेना। वैष्णवी, क्या परेशानी है सर? परेशानी है, प्रशासन सुनना ही नहीं चाह रहा है। मेरी नंदे परेशान कर रही है, मेरी सास परेशान कर रही है, धर्म परिवर्तन करा रही है, मास्क खिला रही है, हर चीज की फुटेज है हमारे पास। जिनके पास कोई फुटेज नहीं, कुछ नहीं, उनकी सुनी जा रही है, हमारी सुनी नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि समाज सेवी का फरत नक भी उनके साथ है सर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कहाँ जाएंगे बताइए? हम भी तो महिला हैं, वो भी महिला है। अगर बदसलूकी मेरे साथ हो रही है, मैं क्यों धर्म परिवर्तन करूँ? कौन लोग कर रहे हैं? मेरी सास है, मेरी नंदे हैं, उनका सपोर्ट फरतनक भी मैडम कर रही है। क्यों कर रही हैं जी? उत्पीड़न क्यों कर रही हैं आपका? मैं हिंदू हूँ, मैंने इंटर रिलीजन मैरिज शादी की है। ये मेरे हस्बैंड है आरिफ खान, इसीलिए वो मुझसे वो ये चाहती हैं कि अगर मैंने शादी कर ली मुस्लिम से तो मैं मुस्लिम बन जाऊँ। क्यों बन जाऊँ? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ का राइट तो नहीं देता उनको कि मैं अपने इंडिपेंडेंट हूँ। अगर तो मैं धर्म अगर अपने आप फॉलो करना चाहूँगी तो करूँगी, कि कोई मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तब भी प्रशासन सुन ही नहीं रहा है। शादी कितने साल हो गए? एक डेढ़ साल हो गया है सर मुझे। तो बच्चा भी है? जी नहीं, मैं पढ़ रही हूँ उस समय। कहाँ रहती हैं? मैं ससुराल में रहती हूँ, सैलानी। आरिफ खान, क्या मामला है? ये हमारी भर परिवार में झगड़ा जो चल रहा है, इन्हीं के धर्म को लेकर चल रहा है। हिंदू लड़की से शादी कर ली, इसे मुसलमान बनाओ। हालांकि मैं इग्नोर कर देता था, अपनी बहनों का साथ, मम्मी का साथ लेता था, अपनी बीवी को ही गलत समझता था। जब मेरी बीवी ने कह के सीसीटीवी फुटेज लगवाई, मैंने देखा इस बात को, तब मुझे लगा हाँ मेरी बीवी के साथ जुल्म होता है। फिर इन लोगों से जब मैंने अपनी माँ बहन से कहा तो इन्होंने फरहत नकवी को बुलाया। फरहत नकवी ने एक तरफा इंसाफ करा। मैंने उनसे कहा ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, इससे कोई मतलब नहीं, हमें रिलीजन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर जाएँ मुझे दिक्कत नहीं है, मैं मदार जा रही हूँ उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, मैं रोकने वाला कोई नहीं हूँ। तो आप लोग कौन होती हो इसको इंटरफेयर करने वाली? कहा आप मुस्लिम परिवार में लेकर आए हो तो इसको मुस्लिम होना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं चाहता हूँ वो ज़बरदस्ती कोई काम करे, और ये हमारे मजहब में भी नहीं है किसी को ज़बरदस्ती कलमा पढ़ाया जाए। इसी चीज़ बरेली की है, मेरी पत्नी बरेली की, राजेंद्र नगर की है। कितने साल हो गए शादी को? डेढ़ साल हो गया। पढ़ाई करती हूँ, उस चीज़ की भी इन लोगों का एतराज़ है। पढ़ने नहीं देती, पढ़ने नहीं जाएगी, बुरका पहनेगी, मीट खाएगी। धर्म परिवर्तन को लेके इतना अभी 3 महीने से इतना वो कर रही हैं, परेशान कर दिया है। ना काम वम कुछ करने नहीं देती हैं, रोज़ सुबह शाम लड़ाई झगड़ा। दबाव कौन बना रहा है धर्म परिवर्तन? दबाव मेरे घर वाले बना रहे हैं, और मेरे घर वालों की सपोर्ट में फरहत नकवी खड़ी हुई मैडम। अब मैंने मैडम से ये भी कहा था दोनों पक्षों को बैठा के समझौता करा दीजिए, खुशी खुशी रहें, समाज में भी अच्छा मैसेज जाएगा इससे। ये हिंदू मुस्लिम करने से फ़ायदा क्या है? क्या नाम है आपको? जी मेरा नाम यास्मीन जहाँ है। क्या मामला है इन लोगों का? सर आपने सारा मैटर तो देखा ही है, धर्म परिवर्तन का है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं। 7 महीने से लड़की परेशान है, इसका झगड़े लड़ाई झगड़े का 151 में इसके हस्बैंड का, 354 में इसके हस्बैंड का चलान करा देती हैं बहनें, क्योंकि वो अब आपको सारी बातें पता ही हैं कि प्रशासन भी कोई हेल्प नहीं कर रहा। अभी अभी मेरे सामने जस्ट जब हम SSP यहाँ आए हैं, उनको पता चला है, तो अभी बरादरी थाने से फ़ोन आया, उस लड़के को कहा ये तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे, मुकदमा करेंगे। जब हमने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने हमें बताया कि मुकदमा तो हो जाएगा जब गलती करेगी। लड़की विलेम लगा रही है कि मुझे मास्क खिलाते, धर्म परिवर्तन करते, तो इसकी कोई भी FIR नहीं है, इसके साथ कौन देगा? मैं तो सड़कों पर उतराऊँगी सर, मैं योगी जी से ज़रूर मिलने जाऊँगी, इस लड़की को लेकर तो स्पेशली जाऊँगी वहाँ से, और वहीं पर धरना प्रदर्शन करूँगी, वहीं रहूँगी जब तक इस लड़की की FIR दर्ज नहीं होगी और गुनाहगारों को सज़ा नहीं मिलेगी। ये महिला भी हमारे सामने पेश हुई है पुलिस कार्यालय में। उसने आरोप लगाया है कि जो उसके ससुराल वाले हैं जहाँ उसने शादी करी है वहाँ उसको परेशान किया जा रहा है, और वो थाने पे भी गई थी तो थाने पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की है। इसीलिए ये जांच CO 3rd को दी गई है, जो कि दोनों के पक्षों को सुनकर निस्तारण करें और इसकी निष्पक्ष जाँच करें। आरोप यही छोटे छोटे हैं जो परिवार में होते हैं, कि रहने नहीं दे रहे हैं, खाने को कुछ उल्टा सीधा दे रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, यही आरोप हैं इसका। नहीं, ये तो सब जांच में आएंगे सारी चीज़ें, क्योंकि थाने पुलिस से वो संतुष्ट नहीं है, इसीलिए CO City 3rd को ये जांच दी गई।